हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ की फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेवन चैप्टर ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इस चैप्टर के अंदर। टी फ्रॉम आसाम। प्रंजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रंजल है वो आसाम का एक युवा है। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर राजवीर की स्कूल का क्लासमेट है, कक्षा का साथी है। प्रंजल फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। ऊपरी आसाम में के चाय के बागानों के अंदर प्रंजल का पापा है, वो एक मैनेजर का काम करते हैं। एंड प्रंजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वोकेशन। और प्रंजल राजवीर को गर्मी की छुट्टियों के दौरान राजवीर को निमंत्रित करते हैं कि हमारे आसाम में आए और विजिट करें आसाम की। तो ये इसी पे विजिट के ऊपर ही है। टी फ्रॉम आसाम, आसाम की चाय। अब आपने ट्रेन के अंदर कभी आवाज़ ज़रूर सुनाई दी होगी वेंडर्स की, चाय गरम गर्मा गर्म चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। एक वेंडर चाय बेचने वाले ने ऊंची आवाज़ में कहा, चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क चाय साहब। अब वेंडर उनकी खिड़की के पास आया और आके पूछा, साहब चाय। गिव अस टू कप्स प्रंजल सेड। प्रंजल ने कहा हमें दो कप दे दीजिए। दे शिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने गरम द्रवित गरम चाय को शिप करते हुए गरम चाय को चुस्की लेके पिया। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. कहते लगभग उनके जो कंपार्टमेंट के अंदर डिब्बे के अंदर जितने भी लोग बैठे थे लगभग हर आदमी चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore cups of tea are drank every day throughout the world? अब ये क्वेश्चन करता है, Do you know that ओवर 8 करोड़ कप्स, लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा चाय के कप संसार भर के अंदर एवरीडे रोज़ाना संसार भर के अंदर पिए जाते हैं। एक दिन में संसार में 8 करोड़ कप से भी ज़्यादा चाय पी जाती है। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा, वाह एक्सक्लेम्ड प्रंजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। हाँ, चाय वास्तव में बहुत अधिक पॉपुलर है, बहुत फेमस है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब ट्रेन स्टेशन को छोड़ के चल पड़ी, निकल पड़ी। प्रंजल बुरीड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक अगेन। अब प्रंजल डिटेक्टिव बुक पढ़ता था। डिटेक्टिव बुक होती जिसके अंदर जो जासूसी कहानियाँ होती हैं उसके अंदर अपना उसमें बिजी हो गया। बुरीड हिज नोज का मतलब होता है बिजी हो गया किताब के पढ़ने में। राजीव टू वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। हालांकि राजवीर भी जासूसी कहानियों का फैन है, पढ़ने का पसंद करता है, बट एट द मोमेंट, लेकिन इस समय ही वाज किन्नर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। यहाँ की तो कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं, नज़ारे हैं, उनको देखने में वो व्यस्त है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली हरियाली है। राजवीर हैड नेवर सी सो मच ग्रीनरी बिफोर। अब राजवीर ने तो इससे पहले कभी इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बीस। इसके बाद जो हरे हरियाली पैडी फील्ड की थी, यानी कि धान के खेतों की हरियाली थी, उसकी जगह अब चाय की झाड़ियों ने, चाय के पौधों ने ले ली। अब चाय के पौधे बागान शुरू हो गए। इट वाज मैग्निफिशेंट व्यू, बड़ा शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स ए सी ऑफ टी बुस स्ट्रेट एज फार एज द आई कुड सी। अब कहता है कि बड़े बड़े पहाड़ियों के ऊपर गहरे वनों के साथ साथ जो चाय की झाड़ियाँ थी वो इतनी दूर तक स्ट्रेस्ड, इतनी दूर तक फैली हुई थी, एज द आई कुड सी, जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी।
ड्राफ्टिंग द टीनी टी प्लांट्स वर टाल स्टर्डी शेड ट्रीज। अब आगे बताया कि जो छोटे चाय के पौधों को बौना करते हुए लंबे बड़े बड़े छायादार वृक्ष थे, यानी कि स्टर्डी शेड ट्री, बड़े पेड़ों के नीचे चाय के पौधे तो छोटे लग रहे थे, बौने लग रहे थे, टीनी लग रहे थे। एंड अमिडिस्ट द, और उनके बीच में अमिडिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुश, जो झाड़ियों के यानी कि जो चाय के पौधों को ऑर्डरली पंक्तियों में जो पौधे लगे हुए थे उनके बीच में, अमिडिस्ट मानी उनके अमिडिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुश, पौधों के पंक्तियों के बीच में जो बिजली मूव डॉल लाइक फिगर, डॉल के जैसी, गुड़िया के जैसी आकृति घूम रही थी, व्यस्त थी काम में, यानी चाय तोड़ने वाली, चाय की पत्तियां चुनने वाली। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टाल चिमनीज। कुछ ही दूरी के ऊपर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसके अंदर धुआं निकल, बड़ी बड़ी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर ने बड़ी उत्सुकता से कहा, अरे चाय का बगीचा है क्या ये? परंतु हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, राजवीर जो यहीं जन्म लिया, प्रंजल जिसका जन्म यहीं हुआ था और जो प्लांट जो ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन और ऐसे चाय के बागान में ही वो बड़ा हुआ है, डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। वो राजवीर के आश्चर्य में उसने हिस्सा नहीं लिया, यानी कि राजवीर के साथ उसको आश्चर्य नहीं हुआ। ओ दिस इज ए टी कंट्री नाउ ही सेड, वो बोला अरे ये अभी चाय का देश शुरू हो गया है। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, कहता है कि आसाम में संसार की सबसे अधिक चाय होती है, चाय की खेती सबसे अधिक आसाम में होती है। यू विल सी इन्फ गार्डन टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, कहता कि इतने बगीचे हैं, इतने अधिक जिनकी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी देख पाओ, इतने बागान हैं कि ज़िंदगी भर भी तुम नहीं देख पाओगे, इतने बाग यहाँ पर हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज, मैंने इसके बारे में इतना अधिक पढ़ा है चाय के बारे में। नो वन रियली नोज, कि वास्तव में कोई नहीं जानता, हु डिस्कवर्ड टी, कि आखिर चाय की खोज किसने की। मैंने खूब किताबों में पढ़ा है, बट देर आर मैनी लीजेंड्स, लीजेंड होती पौराणिक कथाएँ, दंत कथाएँ बोलते हैं। तो मैंने कहा बहुत अधिक मैंने पौराणिक कथाएँ पढ़ी हैं, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की। वट लीजेंड्स, पौराणिक कथाएँ, कैसी कथाएँ? वेल देर इज द वन ऑफ अबाउट चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग ऑफ इट। एक स्टोरी चीनी सम्राट से संबंधित है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो हमेशा पानी पीने से पहले पानी को उबाला करते थे। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इन टू द वाटर गिविंग इट ए डेलीशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ, तो बर्तन के नीचे जो ट्विग्स टहनियाँ जल रही थी, जलने के लिए डाली हुई थी, उसकी कुछ पत्तियाँ हैं, फ्यू लीव्स फेल इन टू द वाटर, उस उबालने के लिए रखे हुए पानी में गिर गई, गिविंग इट ए डेलीशियस फ्लेवर, और उसको एक शानदार टेस्ट, उसका शानदार फ्लेवर था, उसका सुगंध वाला स्वादिष्ट सुगंध प्रदान कर रहे थे वो। इट इज सेड दैट देयर वर ट्री लीव्स, तो ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की ही पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रंजल। प्रंजल ने उपहास किया, मजाक उड़ाते हुए कहा, तो फिर दूसरी कहानी सुनाओ, जो तुम दूसरी स्टोरी बता रहे थे कि दो स्टोरियां हैं, अब दूसरी में बताता है वो। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू,
एक हमारी भारतीय पौराणिक कथा भी है, बौद्ध धर्म एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। हमारे बौद्ध धर्म नाम का एक बौद्ध भिक्षुक था, प्राचीन बौद्ध भिक्षुक था। कट ऑफ हिज आईलीड्स, उसने अपनी आँखों की आईलीड्स पलकों को इसलिए काट लिया बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि ध्यान करने के दौरान जब वो ध्यान में बैठते थे तो उन्हें नींद आलस्य महसूस होता था, नींद आने लग जाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आँखों की पलकों को काट लिया। 10 tea plants grew out of the eyelids, उन आँखों की पलकों से जो ज़मीन पे गिरी उसे 10 चाय के पौधे उगाए। The leaves of these plants when put in hot water and drank banished sleep, कथा कि इन पौधों के जो पौधे उगे थे उनकी पत्तियों को जब पानी के अंदर उबाल के पिया गया तो वो पानी से उसकी नींद गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, पहली बार चाय चाइना के अंदर पी गई। राजवीर ने इस बात को जोड़ते हुए कहा, एज फार बैक एज 2700 BC, कहते 2700 BC से बहुत पहले, इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, जैसे कि ये शब्द है चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, ये चाय और चीनी जैसे शब्द हम यूज करते हैं चाय के लिए, ये सब चाइनीज वर्ड हैं, चीनी शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century, कहता है कि यूरोप के अंदर तो चाय 16th शताब्दी के आसपास आई है। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बिवरेज, और यहाँ चाय बिवरेज की बजाय, पेय पदार्थ की बजाय, दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में पी जाती थी। द ट्रेन क्लेटर्ड इन टू मरियानी जंक्शन, अब ट्रेन मरियानी जंक्शन से छक छक करते हुए चल पड़ी, आगे बढ़ गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, अब लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया। एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफार्म, और उतर कर भीड़ भाड़ वाले प्लेटफार्म की ओर अपना रास्ता लिया, चल पड़े रास्ते पर। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द, वहीं पे प्रांजल के माता पिता उसका वेट कर रहे थे। सुन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढाकियाबाड़ी, और जल्दी ही वे उनको गाड़ी में बैठा के ढाकियाबाड़ी की ओर ले गए। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर, ढाकियाबाड़ी के अंदर वो चाय का बाग जहाँ प्रांजल के पापा उसकी व्यवस्था करते थे, मैनेजर थे वहाँ पे। एन आर लेटर द कार वीयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, लगभग 1 घंटे के बाद कार ने मुख्य सड़क से तीखा मोड़ काटा। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड इंटर ढाकियाबाड़ी टी स्टेट, अब उन्होंने एक छोटा सा कैटल ब्रिज, जो पशुओं के लिए पुल बनाया जाता है, मवेशी पुल हो जाता है, उसको पार किया और ढाकियाबाड़ी चाय के बागान में प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर पर एकर ऑफ टी बुश, कहता है कि बोथ साइड ऑफ ग्रेवल रोड्स, पत्थरों वाली जो सड़क थी उसके दोनों साइड, कई कई एकड़ के अंदर, एकड़ पर एकड़, कई कई एक एकड़ के बाद दूसरे एकड़ चाय के पौधे फैले हुए थे, उगे हुए थे। ऑल नीटली प्रन टू द सेम हाइट, और सारों को एक जैसी हाइट के अंदर उनको प्रन किया गया था, काटा गया था, ट्रिम्ड किया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी पलकर्स, चाय तोड़ने वालों के ग्रुप समूह, विद बम्बू बास्केट, और उनके बांस की बनी हुई टोकरियाँ ऑन देयर बैग्स, उनकी पीठ के ऊपर लदी हुई थी। वियरिंग प्लास्टिक एप्रेंस, और वो प्लास्टिक के ऊपर चौगे पहने हुए थे। वर पल्किंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और जो नए नए उगी हुई पत्तियाँ, न्यूली स्प्राउटेड नई नई उगी हुई पत्तियों को तोड़ रही थी। पल्किंग होता चुनना, तोड़ना। प्रांजल फादर स्लो डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर,
परंजल के पापा ने अपनी गाड़ी को, एक ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए गाड़ी को धीमा कर लिया, पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, जिसके अंदर चाय की पत्तियां भरी हुई थी, उसको पास करने के लिए अपनी गाड़ी को धीमा कर लिया। दिस इज द सेकंड फ्लैश, ये दूसरी बार का फ्लैश है, यानी कि एक बार पत्तियां तोड़ ली गई तो दूसरी बार उगाई है, तो दूसरी बार की चुटाई चल रही है। और स्प्राउटिंग पीरियड, या फिर ये स्प्राउटिंग होता है पत्तियों का उगने का समय, ये दूसरी बार तोड़ने का समय है या उगने का समय है, इजेंट इट, क्या ऐसा है मिस्टर बरवा? राजवीर आस्क, राजवीर ने पूछा मिस्टर बरवा कि ये दूसरी बार तोड़ने का समय है या चाय पत्ती पत्तियाँ हैं ये उगने का समय है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, ये मई से जुलाई तक चलती हैं, एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और इस समय की चाय है वो सबसे अच्छी चाय होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ से आने से पहले खूब होमवर्क किया है, यानी खूब पढ़ लिख पढ़ा है, इसके बारे में खूब जानकारी प्राप्त की है। प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के पापा ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा। यस मिस्टर बरवा, हाँ मिस्टर बरवा, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने इस बात को स्वीकार किया। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं इसके बारे में और अधिक सीखना चाहता हूँ, और अधिक जानकारी लेना चाहता हूँ। तो ये अपना चैप्टर टी फ्रॉम आसाम यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, शेयर करना और दूसरे बच्चों को भी बताना।